हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं इडली। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक कप सूजी ली है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, सिर्फ इसे भिगोने के लिए मैंने इसमें पानी डाला है। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख देंगे। तो फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे इनो, थोड़ा सा इसको और हम थोड़ा पानी डाल के इसको और पतला कर लेंगे। हमने और पतला कर लिया है फ्रेंड। जैसे ही हमें इडली बनानी है उसी टाइम हमें इसमें इनो ऐड करनी है। तो अब हम इसमें इनो जो है वो डाल देंगे। थोड़ा सा फ्रेंड्स हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे और हम इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो कुछ इस तरह का फाइन पेस्ट रखना है इडली बनाने के लिए। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स, हम इडली मेकर में इसको इडली को कर लेंगे। इससे पहले हम इसमें ऑयल ग्रीस कर लेंगे जो हमारा साचा है। मेरे पास 4 इडली वाला है और इसके 2 है मेरे पास माइक्रोवेव में बनाने के लिए। तो ये मैंने अच्छे से इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि हमारी जो इडली है वो चिपके ना। अभी जो बैटर है हमारा हम इसमें ऐसे ही दूसरे वाले में रख लेंगे। अब फ्रेंड्स, ये हमारा इडली मेकर है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और जो हमारी हमने इडली फिल करके रखा हुआ है इसको इस तरह से हम इसमें लगा दें। इस तरह के लगाने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। अब फ्रेंड्स, हम इसको माइक्रोवेव करेंगे। तो अब इसको हम सेट करेंगे। इसको माइक्रो जो है इस पे रख के हाईएस्ट जो टेम्परेचर है वो मेरे माइक्रोवेव का 900 है और इसको हम 3 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव में रखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इडली बनकर तैयार हो गई है। तो ये हमने बाहर निकाल लिया है अब इसको, और 1 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। 1 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे। तो 1 मिनट हो गया, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इडली जो है वो अलग ही दिख रही है कि हटी हुई है। तो चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, गर्मा गर्म इडली हमारी बनकर तैयार है। आप इसको नारियल की चटनी के साथ या फिर सांभर के साथ या सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं।